एवरीवन, वेलकम टू एल्का हॉबी जंक्शन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अमेजोन शॉपिंग हॉल की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो अमेजोन में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो वो आइटम्स मैंने कुछ परचेज़ किए हैं और आपके साथ शेयर करूँगी उन सब चीज़ों को। और एक बात आपको और बता दूँ, अगर ये सब आइटम्स आप परचेज़ करते हैं तो आपका किचन बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखने वाला है, बहुत ही क्लीन दिखने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा है। और हाँ, उन सब आइटम्स का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किचन डिश रैक से, जो कि मैंने अपने किचन के लिए परचेज किया है। और ये मुझे 4 पीस का मिला है, आप देख सकते हैं ये स्टील का है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी हैवी है। तो इसको आप अपने किचन के लिए परचेज कर सकते हो। बहुत लोग का किचन क्या होता है, उसमें स्टोरेज एरिया काफ़ी कम होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे करें और अपनी सारी आइटम्स को रखें कैसे। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके स्टैंड में इस तरह से लगे हुए हैं ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाती है, स्लिप नहीं होती है। तो ये मुझे अपनी किचन के लिए बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं इसको अपने किचन में कैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना मैसी रैक है, चीज़ें इधर उधर पड़ी है। तो मैं इसको अब अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ। तो इस तरह से इस रैक को अपने किचन में हम लगा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है और ऊपर भी स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है। तो आप चाहे जैसे मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं साइड में भी हमें थोड़ी जगह मिल जाती है। तो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बोतलें या छोटी छोटी चीज़ें आप जो भी चाहे अरेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे अपने किचन के लिए बहुत ही अच्छा लगा। और ये देख सकते हैं ये भी एक किचन रैक है, जो कि आप किचन काउंटर पे रख सकते हो या तो फिर आप इसे हैंग करके भी रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किचन काउंटर में रखना चाहते हैं पर हमें जगह नहीं मिलती रखने की। तो यहाँ पे आप मसाले वगैरह भी रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो, या जो भी चीज़ आप रखना चाहें आप यहाँ पे अरेंज करके रख सकते हैं। और ये लगभग मुझे 500 का मिला था। तो दोस्तों, हमारा तीसरा आइटम है यह डिस्पेंसर, जो 3-in-1 डिस्पेंसर है। ये भी मुझे अपने किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल लगा है और इसको मैंने लगभग 900 का परचेज़ किया था। यह भी स्टील में ही है, इसको अपने किचन के वॉल पे आप फिक्स कर सकते हैं। और इसमें आप अल्मीनियम फॉइल वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना होता है तो हमें टिश्यू पेपर नहीं मिलता, क्लिंग फिल्म मिलती नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम अरेंज करके रख सकते हैं और इससे आपका किचन भी बहुत ही क्लीन नज़र आता है। और साथ साथ इसमें कटर भी है, तो ये अच्छे से कट भी हो जाती है। और ये चौथा आइटम है, जो भी एक रैक है। और यह रैक मैंने अपने सिंक एरिया के लिए मंगवाया है। सिंक एरिया में क्या होता है, चीज़ें इधर उधर फैली हुई होती हैं, तो आप इसमें अपनी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हो। और ये बहुत ही सस्ते में मुझे मिला है, लगभग ये 100 से 150 का आपको मिल जाता है। और इससे आपका सिंक एरिया बहुत ही क्लीन नज़र आने वाला है, आप इसमें प्लांट वगैरह भी लगा कर रख सकते हैं। तो गाइज़, ये आइटम देख सकते हो, ये मैंने फ्रिज के लिए परचेज किया था। फ्रिज में क्या होता है, सब्जियां वगैरह ऐसे पड़ी रहती है, कभी कभी क्या होता है जल्दी में हम प्लास्टिक को भी फाड़ देते हैं और सब्जियां पूरे बॉक्स में फैल जाती है। तो इस तरह के मैंने पाउचेस मंगाए हैं, जो कि लगभग मुझे 200 का मिला है और ये 6 पीस का है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे अमेजोन पर, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर खरीद सकते हैं। और यह नेट का है, तो इससे अंदर भी पता चल जाता है कि अंदर कौन सी सब्जियां रखी हुई है। तो ये आपको 200 से 250 में मिल जाएंगी, देख सकते हैं। इस तरह से मैं जल्दी में क्या करती हूँ, कभी कभी सब्जियां फाड़ देती हूँ, सॉरी पॉलिथीन फाड़ देती हूँ और सब्जियां निकाल लेती हूँ। तो अब मैं सब्जियों को इस पाउच में अरेंज करके रखूँगी, तो जिससे क्या होगा, मेरा फ्रिज जो है बहुत ही क्लीन नज़र आने वाला है। तो ये भी मुझे अपने किचन के लिए बहुत ही अच्छा लगा।
तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है बॉटल क्लीनर, जो कि 69 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा है। ये भी बहुत अच्छा है और साथ में फ्लेक्सिबल भी है, ये अच्छे से बॉटल को क्लीन कर देता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ है, तो इससे बड़ी बड़ी बॉटल भी क्लीन हो जाती है। लगभग 10 से 12 इंच का है, तो ये देख सकते हैं इसकी साइज़ भी। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हाँ चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कुछ नई वीडियो लेकर आऊँ। और बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।